हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर BGMI वीडियो। तो गाइस, BGMI का न्यू सीजन आ चुका है आज से, जो कि 2 जून है गाइस। तो आज से न्यू सीजन आ चुका है C4S11, और बहुत सारे आपको फ्री में रिवॉर्ड्स भी मिलने जा रहे हैं। तो ये है हमारे रिवॉर्ड्स गाइस। तो ब्रॉन्ज पे आपको मिलने वाला है सप्लाई क्रेट कूपन, जो कि सबको मिल ही गया होगा। सिल्वर पे मिलेगा क्लासिक क्रेट कूपन, गोल्ड पे ये मजेदार स्किन, ये क्या है, आधा मैकेनिक आधा छपरी जो भी है ये। फिर प्लैटिनम पे मिलेगा चश्मा, और डायमंड पे मिलेगी आपको ग्रोजा की फ्री स्किन गाइस। क्राउन पे मिलेंगे टियर प्रोटेक्शन के कार्ड, और आपको मिलने लग जाएंगे अब आपके टाइटल और आपकी एंट्रीज। एस पे मिलेगा आपको गाइस मास्क, एस मास्टर पे आपको मिलेगी एक टोपी, एस डोमिनेटर पे आपको मिल जाएगा अपना एवेटार, और कॉन्करर पे तो मालूम ही है क्या मिलता है। तो ये था मेरे न्यू सीजन का पहला मैच गाइस, जिसमें हम लोग उतरेंगे पोचिंकी में, और ये सारे के सारे रैंडम बंदे हैं, ये बात भी नोट की जाए। तो पोचिंकी में उतारा मैंने 234 किलोमीटर पर आर की स्पीड में, लेकिन उतरने के बाद हमें ये मालूम चलता है कि यहाँ पे तो कोई आया ही नहीं है। लेकिन थोड़ी आगे जाके बॉट फायरिंग की आवाज़ आती है मुझे आगे से। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती थी, या तो ये बॉट हो सकता था, या तो ये रियल बंदा हो सकता था जो कि एक्टिंग कर रहा है बहुत ही गंदी वाली। लेकिन मैंने सोचा कि आगे जाके ही देखते हैं, वहीं पता चलेगा। यहाँ आके मैंने ब्रेक मारा भाई, क्योंकि अचानक से बॉट फायरिंग बंद हो गई और गेट भी खुला मिला मुझे। तो थोड़ा सा मुझे शक हुआ, लेकिन एक बंदा यहाँ पे दिखा मुझे, जो कि मुझे ही देख रहा है। और ये हनी बैजर की भाई मुझे सही में रिकॉल अभी तक समझ नहीं आई, लेकिन इस बॉट को तो मैंने आराम से मार दिया। लेकिन जैसे ही मैं इसके पास गया, क्या हुआ गाइस, मुझे बेट कर दिया गया गाइस। बॉट को बुला के मुझे यहाँ पे पेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे अच्छा हुआ कि रिफ्लेक्स थोड़े से काम आ गए और मैं बच गया। उसके बाद इसकी गंदी मौली मुझ में नहीं पड़ी, लेकिन अब था मुझे यहाँ से बचना, जिसके लिए मैंने बुलाया अपने टीममेट्स को यहाँ पे। ये बॉट पता नहीं कहाँ चले आ रहा था इतने इंटेंस फाइट के बीच में, तो इसको मैंने जल्दी से नॉक फिनिश डाल दिया। तो मेरे टीममेट आ ही गए सोते सोते, लेकिन आते ही भाई इसकी पिटाई चालू होने लगी, और यही मेरा मौका था यहाँ से बच के निकलने का। अब ये इसको मारा था, तो मैंने सोचा यार यहाँ पे जल्दी से साइड आ जाए। इतने मुझे ये देखने लगा था, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हिट दी इसको, और यही मौका था रश करने का। फिर बाद में देखा भाई मेरे पास तो नेड भी है, नेड मैंने खोला और जैसे ही इसको मारा, नेड आसपास भी नहीं लगा, लेकिन मेरे बंदा पहले ही घुसने लगा। मैंने इसको बोला भाई रुक जा थोड़ी देर, अकेले पेटी मत बनवा, लेकिन इतने में ये जा चुका था, और नीचे से इसके टीममेट्स भी आ गए। एक को मैंने लो किया, दूसरा नॉक, और मुझे नहीं मालूम था कि मेरा टीममेट भी यहाँ पे आ चुका है एक नंबर। तो मेरे को बहुत खुशी हुई भाई कि कब आया ये, लेकिन इतने में हमारे दूसरे टीममेट की पेटी बन चुकी थी, और टाइम था गाइस इस पे रश करने का। तो मैंने सोचा एक मौली मारी जाए, जो कि हवा में मारते हैं और जहाँ गिर जाए वहाँ अच्छा। पीछे से बॉट परेशान कर रहा था, मुझे बुला रहा था अपने पास कि आ मुझे मार, लेकिन मैंने सोचा पहले इसको मारा जाए। फिर मेरे दिमाग में आया आइडिया, मैंने सोचा भाई DBS से अच्छी गन यहाँ पे क्या ही हो सकती है जो मेरे काम आ जाए। मेरा टीममेट जब तक यहाँ पे बॉट को फिनिश करने में लगा था, मैंने सोचा अब इस पे रश करा जाए, और इसको बुलाया, आजा भाई। इसको लगता है कोड वर्ड में समझ आ नहीं रहा है, एक गोली मार के बताना पड़ेगा, चल यहाँ पे। और तुक्के में हमारी DBS भी लग गई, लेकिन तभी मुझे याद है यहाँ पे बग्गी से दो लोग और गए थे राइट में, तो उनको अभी अभी मारना बाकी है। एक बंदा भी दिखा मुझे, लेकिन ये तो बॉट निकला। फिर जब मैं यहाँ घूम रहा था, तो गोली की आवाज़ आई, और मुझे बंदा भी दिख गया, जो कि ट्रिपल स्टोरी में खड़ा हुआ था ऊपर वाली खिड़की पे। अब इसकी शक्ल तो क्लियर दिखाई दे रही थी, लेकिन मेरे पास ऐसी गन नहीं थी कि मैं इसको मार दूं, तो मैंने सोचा यार पहले लूटा जाए। तो मैं रेडी हो चुका था फाइट लेने के लिए, अब देखते क्या मैं इसको मार पाता हूं।
और मैं बच गया हल्का सा और इसको भी मार दिया। चलो अब रश करा जाए, आ जाओ भाई एक नंबर। इसके पास पहुंचते ही इसके टीममेट की भी आवाज़ आने लगी, तो एक ही चीज़ बनती थी यहाँ पे, जो कि था हमारा प्यारा नेड। और हर बार की तरह कोई नहीं फटा उससे पहले, इसलिए मैंने सोचा हील किया जाए उसके बाद रश किया जाए। इतने में ही एक बंदा नीचे कूद गया और खिड़की से आने की बहुत ही ख़राब कोशिश के बाद ये पिटा। इतने में मेरे टीममेट में ये दिमाग नहीं था कि ऊपर जाके उसको मार दे, उसने हील कर लिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी इसके साथ गया और इसने बढ़िया है कि मार दिया। यहाँ पे जब मैं गाड़ी चला रहा था तो अचानक से एक बंदे की आवाज़ आई, अब मुझे लगा ये बॉट है, लेकिन ये कूदने लगा और इससे कन्फर्म हो गया कि ये था हमारा इंडियन भाई। तो इसको तो हमने मार दिया, लेकिन मैंने सोचा यार कौन लूटेगा, इसके टीममेट देख रहे होंगे ऊपर से, इसलिए यहाँ से चलते बनो। हम आए थे यहाँ पे गाइस ड्रॉप लूटने, लेकिन इतने में ही हमें मालूम चलता है कि यहाँ पे धूम 4 की शूटिंग भी हो रही थी, वो आपको अभी दिखेगी। Wait. इसको देखो ये कहाँ मार रहा है और बंदा कहाँ है। इन दोनों की फायरिंग देख के मुझे पूरा यकीन हो गया कि उसको तो हम मार नहीं पाएंगे, ऊपर से वहाँ जाके हम लोग उल्टा अपनी पेटी बनवा आएंगे। यहाँ मैं खिड़की से देख ही रहा था कि इतने में खुद एक बंदा मेरी तरफ आ गया। मैंने सोचा भाई नीचे चल के ही मारो इसको जल्दी से, लो तो हो चुका है ये। Watch out! और बढ़िया था कि मैं बहुत जल्दी आया, लेकिन मैं इन दोनों को देख रहा था कि यहाँ पे फाइट खत्म भी हो चुकी है, ये दोनों क्या लूट रहे हैं वहाँ पे। अब लास्ट के बंदे हम लोग को दिख ही गए थे, लेकिन यहाँ पे थी सिर्फ दो खिड़कियाँ, एक पे इसने मुंह डाला था, एक पे इसने मुंह डाला था, तो मैं कहाँ डालता। तो मैंने सोचा भाई यहाँ पे लगाया जाए अब टिप्स एंड ट्रिक्स। अब यहाँ पे व्यू तो मुझे बढ़िया मिल रहा था, लेकिन मुझे ये भी देखना था कि मेरे राइट साइड से कोई नहीं मार दे मेरे को, लेकिन यहाँ से बढ़िया मुझे सब भागते हुए इधर उधर दिख रहे थे। अब टाइम है आपको जीरो रिकॉइल स्प्रे दिखाने का। अब इस पे तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो लोग रिज के पीछे बैठे हुए थे। अब राइट साइड से मुझे बहुत डर लग रहा था कि कोई ना कोई आ जाएगा, इसलिए मैंने एक स्मोक डाल के रख लिया यार, ताकि अगर कोई हो भी तो भी मैं उसको दिखूं नहीं। लेकिन यहाँ पे उल्टा मेरा ही व्यू ब्लॉक हो गया और ये पड़ी मुझे पट से, क्योंकि मेरे को लगा ही नहीं था कि मैं वहाँ पे दिख रहा हूँगा, लेकिन उस बंदे को मैं साफ दिख रहा था। अब इधर मैं हील कर ही रहा था कि नेड़ की आवाज़ आई। अब यहाँ पे हमें देखना था कि इनके कौन से टीम का बंदा है जो यहाँ आके लेट चुका है। तो मैंने सोचा नीचे चल के ही देखते हैं और यहाँ से एक आध नेड़ भी मार देते हैं। इतने में मेरे टीममेट ने नॉक ही कर दिया, तो मैंने बोला यार चलो रश करा जाए, लेकिन और कोई तो नहीं है इधर, और राइट का बंदा तो मुझे दिखा ही नहीं, और इतना नहीं दिखा कि मैं लेफ्ट को यहाँ पे राइट बोल रहा हूँ। अब अगर ये दोनों यहाँ थे तो वो दोनों कौन थे, मतलब कि वो तीनों, ये मैं समझ चुका था कि वो अलग स्क्वाड बची है और अब बचा है 3v3। इससे पहले वो लोग पास आए मुझे जाके उनको मारना चाहिए। एक हो गया नॉक, दूसरा सांप दिख चुका था, बस तीसरा एक बंदा बचा था जो मुझे लगा शायद से पीछे भी हो सकता है, लेकिन पीछे दो पेटी पड़ी हुई थी ऑलरेडी, तो इसका मतलब गाइस वो आगे ही कहीं होगा और वो दिख गया। और इसी के साथ गाइस हमारे पहले मैच में पहला चिकन डिनर 11 किल्स के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही BGMI की वीडियोस देखने के लिए। और अगर मेरी पिछली BGMI की वीडियो देखनी हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।